हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज शिवानी झा इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग कैनाल को सिल्टिंग एंड स्कॉरिंग से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे कित तो उसके लिए हमें कैनाल लाइनिंग करना पड़ता है कितने टाइप्स के कैनाल लाइनिंग होते हैं एंड इसका क्या एडवांटेज है इन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में देखेंगे सिल्टिंग एंड स्कॉरिंग क्या होता है एंड इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा नाउ व्हाट इज़ कैनाल लाइनिंग कैनाल लाइनिंग क्या है हम क्या समझ रहे हैं कैनाल लाइनिंग हम क्यों करते हैं तो कैनाल लाइनिंग एक इम्परमीएबल लेयर होता है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं बेड और साइड्स ऑफ द कैनाल के ताकि जो हमारा कैनाल का लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके एंड डिस्चार्ज कैपेसिटी जो है कैनाल की वो भी इम्प्रूव हो सके एंड ये सिल्टिंग को प्रिवेंट करे हमने ये कैनाल लाइनिंग करने क्यों स्टार्ट किया बिकॉज जो हमारा वाटर लॉस होता था ना सीपेज के थ्रू जो अनलाइनड कैनाल होते हैं जिसमें हम लाइनिंग नहीं करते हैं जो ऐसे सिर्फ अर्थवर्क हमने ऐसे ही गड्ढा खोदा एंड उसमें हमने कैनाल एक चला दिया तो जो वो वाले कैनाल होते हैं ना जो अनलाइंड कैनाल होते हैं बिल्कुल उनके अंदर हमारा वाटर लॉस जो होता था वो सीपेज के थ्रू 60 टू 80 परसेंट हो जाता था जो कि हम कैनाल लाइनिंग करने के बाद उतना पानी हम सेव कर लेते हैं जो हमारा सीपेज के थ्रू वाटर होता था आ, वाटर लॉस होता था उसको हम सेव कर लेते हैं तो ये तो हमारा था कैनाल लाइनिंग क्या होता है एंड हम कैनाल लाइनिंग क्यों करते हैं नाउ एडवांटेजेस ऑफ कैनाल लाइनिंग तो क्या एडवांटेज है कैनाल लाइनिंग करने का फर्स्ट हमारे सीपेज रिडक्शन होता है इससे कैनाल लाइनिंग से सीपेज कम करने के लिए जैसे जिससे डिस्चार्ज कैपेसिटी इंक्रीज हो सके अगर कैनाल लाइनिंग हम करेंगे तो उसमें सीपेज कम होगा लाइनिंग कर देंगे तो सीपेज होने का कोई चांस ही नहीं है तो सीपेज रिडक्शन का सीपेज का रिडक्शन होता है कम होता है और जो हमारा डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है सेकेंड इसमें हमें लेस मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है कैसे अगर हम लैंड लाइंड कैनाल है अगर हमारा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है एज कम्पेयर टू अनलाइंट कैनाल अनलाइंड कैनाल में सिल्टिंग एंड स्कोरिंग ज़्यादा होती है तो उसको मेंटेनेंस की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सेकेंड थर्ड प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग यह वाटर लॉगिंग को भी प्रिवेंट करता है कैसे वाटर लॉगिंग कैसे होते हैं वाटर टेबल इंक्रीज होता है तो हमारा सीपेज जो है वो भी हाई हो जाता है सीपेज भी ज़्यादा होने लग जाता है तो अनकंट्रोल्ड सीपेज हो जाएगा इसकी वजह से इरिगेशन प्रॉपर्टीज़ वीक हो जाएगी वहाँ के लैंड की जो जहाँ पे भी ये वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ के लैंड की जो होती है वो इरिगेशन प्रॉपर्टीज़ वीक हो जाती है वहाँ की जब वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो वहाँ की जो फील्ड होगा उसका ही प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा तो इसी इन सब चीज़ों से भी ये हमें प्रिवेंट करता है वाटर लॉगिंग के क्या कॉजेज़ हैं कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एंड क्यों होते हैं ये वाटर लॉगिंग वाटर लॉगिंग क्या होता है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी uh, वीडियो में डिस्कस्ड है आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नाउ फोर्थ इज इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी अब इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी का क्या मतलब है मीन्स हम कैनाल लाइनिंग जब करते हैं तो स्मूथ एंड वेल फिनिश्ड कैनाल लाइनिंग करेंगे तो वाटर फ्लो काफी हाई वेलोसिटी के साथ होगा तो वही है ये इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी एंड लास्ट इज सेफ्टी अगेंस्ट फ्लड ये हमें फ्लड के अगेंस्ट भी सेफ्टी प्रोवाइड करती है कैसे लाइंड कैनाल में वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है तो फ्लड कितने टाइम फ्लड uh, के टाइम पे अगर वाटर ज्यादा वेलोसिटी के साथ आता है तो उस टाइम पे भी लाइंड कैनाल उसको विद कर सकता है दैट्स वाई सेफ्टी अगेंस्ट फ्लड नाउ टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग कितने टाइप्स के कैनाल लाइनिंग होते हैं तो एक तो होता है हमारा हार्ड सर्फेस लाइनिंग एक होता है हमारा अर्थ टाइप लाइनिंग हार्ड सर्फेस लाइनिंग जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं पहला होता है सीमेंट सीमेंट के अंदर ही आ जाता है शॉर्टक्रीट प्रीकास्ट कंक्रीट एंड सीमेंट मोटार सेकेंड हमारा ब्रिक लाइनिंग एंड थर्ड हमारा अस्फाल्टिक लाइनिंग एंड जो अर्थ टाइप लाइनिंग होता है ये दो टाइप के होते हैं सॉइल सीमेंट लाइनिंग एंड कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग अब इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं तो फर्स्ट है हमारा सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग तो सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग क्या होती है यह हाई इनिशियल कॉस्ट होता है इसका एंड कंक्रीट जो है उसके वो कंक्रीट हैज़ हाई हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज मींस इसकी वाटर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज भी हाई होती हैं इसका जो हम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं वो पाँच से दस सेंटीमीटर करते हैं फॉर एम फिफ्टीन एंड सेवन पॉइंट फाइव से फिफ्टीन करते हैं सेंटीमीटर फॉर एम टेन ग्रेड ऑफ कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग टफ होती हैं ड्यूरेबल होती हैं रिलेटिवली इमपर्मीएबल होती हैं एंड हाइड्रोलिकली एफिशियंट होती हैं फिफ्थ जो हमारा कंक्रीट लाइनिंग है वो हमारा सुटेबल होता है फॉर बोथ स्मॉल एंड स्मॉल एंड लार्ज चैनल्स एंड बोथ हाई एंड लो वेलोसिटी लो फ्लो वेलोसिटीज़ के लिए सेकेंड है हमारा ब्रिक लाइनिंग ब्रिक लाइनिंग क्या होता है इन केस ऑफ ब्रिक लाइनिंग ब्रिक्स जो हैं वो ले किए जाते हैं यूजिंग सीमेंट मोटार ऑन द साइड ऑफ द बेड बेड एंड साइड्स के ऊपर कैनाल के ले किए जाते हैं आफ्टर जब हम एक बार ब्रिक को ले कर देते हैं स्मूथ फिनिश हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है तो उसके लिए हम सीमेंट मोटर का यूज करते हैं ये बहुत ज्यादा सिमिलर है सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के दे डोंट परमिट एनी सीपेज थ्रू दम थर्ड है आसफाल्टिक लाइनिंग आसफाल्ट लाइनिंग क्या होता है ये कंट्रोल्ड मिक्सचर होता है आसफाल्ट एंड ग्रेड एग्रीगेट मिक्स का जिसको प्लेस किया जाता है एट टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे इसको प्लेस किया जाता है फोर्थ है सॉइल सीमेंट लाइनिंग सॉइल सीमेंट लाइनिंग क्या है सॉइल सीमेंट लाइनिंग जो है वो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है विद द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल सीमेंट वाटर, विच हार्डन टू अ कंक्रीट लाइक मटेरियल इसमें जो हमारा सीमेंट क्वांटिटी होता है सीमेंट का जो कंटेंट होता है वो दो से आठ परसेंट होता है सॉइल के वॉल्यूम के अगर सॉइल का वॉल्यूम जितना होगा उसका दो से लेकर आठ परसेंट के बीच में सीमेंट का हम कंटेंट डालते हैं उसके अंदर फिफ्थ है हमारा कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग जो है वो हमारा प्रिपेयर किया जाता है कैनाल के लिए जब हमारा अर्थ जो है वो अवेलेबल हो नियर द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन और टू अगर हमारा अर्थ नहीं अवेलेबल है नियर द साइट एंड तो फिर हमारा ये जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है हमें कॉम्पेक्टेड अर्थ लाइनिंग करना कैनाल के लिए कॉम्पेक्शन जो है ये हमारा रिड्यूस करता है सॉइल पोर्स साइज को बाई डिस्प्लेसिंग एयर एंड वाटर एंड एक बार हमारा रिडक्शन हो जाएगा वॉइड का तो जो हमारा आ, इंक्रीज हो जाएगा उसका डेंसिटी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड शेयर स्ट्रेंथ उस सॉइल की एंड ये रिड्यूस कर देगी हमारी परमिबिलिटी को दिस इज़ ऑल अबाउट कैनाल लाइनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग आपको वाटर लॉगिंग का एंड सिल्डिंग एंड स्कॉरिंग का वीडियो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इरीगेशन इंजीनियरिंग पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर अगर आपका देख अगर आपको देखने हो देखने हो वो वीडियोज तो प्लीज़ आप uh, चैनल पर जाके एक बार सर्च कर लीजिएगा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो अपलोडेड है अगर आपको कोई सा भी वीडियो चाहिए न, आ, किसी भी टॉपिक पे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग